रखा है। दोस्तों आप अपने महबूब शायर को सुनना चाहते हैं, उस शायर को जो इस महफिल का बानी भी है, और बल्कि ये कहूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में वो आपकी बस्ती की नुमाइंदगी, आपके कमालपुर की नुमाइंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। और एक अखबार तीसरी जंग के वो बुलंदशहर के ब्यूरो चीफ भी है, और बल्कि ये कहूं कि वो तीसरी जंग इसलिए भी है, उन्होंने पहली जंग इसलिए छेड़ रखी है कि कमालपुर की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, और दूसरी जंग उन्होंने इसलिए छेड़ रखी है कि वो उर्दू अदब की खिदमत कर सके, और तीसरी जंग उनकी ये है कि वो अखबार के हवाले से अपने बस्ती की अवाम का दर्द, अपनी बस्ती के अवाम की आवाज, अवाम की आवाज हिंदुस्तान तक पहुंचा सके। आइए भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस महफिल के बानी मोहतरम फहीम कमालपुरी साहब को, और इन चार और ये चार मिसरे में उनके इस्तकबाल में पढ़ता चलूं। सुन ले हजरात, ये मिसरे भी उनके इस्तकबाल में कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, और अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। आइए माइक पर मोहतरम फहीम कमालपुर। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का, जिसमें जिन जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया मुशायरे को होने में, सर सैयद अहमद खान के नाम से सर सैयद डे के मौके पर मुशायरा हुआ, हारिस भाई को सलाम पेश करता हूँ मैं, उनकी बहुत मेहनत रही, मुशीर भाई, मामा नईम और मामू एहतशाम, और हमारे छोटे भाई प्रेसिडेंट शहजाद आलम बरनी यहाँ पर सामने आपके मौजूद हैं डाइस पर, सदर मुश्ताक कमालपुरी, मोनू राशिद, जुबैर भाई वगैरह वगैरह, और नेताजी जुबैर, और बस शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने शायर दोस्तों का, अपने बड़े बुजुर्गों का जो मेरे दावतनामे पर यहाँ पर आए और मुझे इज्जत बख्शी। उसके बाद मैं अपने गांव कमालपुर और अपने ननिहाल का एक गांव हमारे पड़ोस में है अकबरपुर, उन सब लोगों का शुक्र गुजार हूँ कि वो अब तक रात के इस टाइम यहाँ पर बैठे हैं। फहरिस्त बहुत तवील है, मैं चंद अशारों से आपको नवाजता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मतलब देखें, मुजफ्फरनगर को ध्यान में रखें, और यहाँ से मैं अपना मतलब कहने की कोशिश करता हूँ। प्रेसिडेंट साहब एक दो शेरों की गुजारिश कर रहे हैं, उसके बाद मैं एक दो शेर उनके कहने पर। जी होता है, मुजफ्फरनगर के दंगे को ध्यान में रखें, मतलब देखें यहाँ से। गलत इल्जाम है हम पर, मोहब्बत हम नहीं करते, दाद कोई भी खड़े होकर ना दे और ना भी दे कोई बात नहीं, मैं चंद अशार पढ़ूंगा उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा आराम से। गलत इल्जाम है हम पर, मोहब्बत हम नहीं करते, हजारों जुल्म सह कर भी शिकायत हम नहीं करते, हजारों जुल्म सह कर भी शिकायत हम नहीं करते। और दोस्तों शेर समाप्त करें, हमारे यहाँ जो नेता है इस टाइम, वो कोई चारे घोटाले में जेल के अंदर है, कोई कोयला घोटाले में अंदर है, और लगभग लगभग सभी सने हुए हैं। निजाम इस मुल्क का एक बार देकर तो हमें देखो, निजाम इस मुल्क का एक बार देकर तो हमें देखो, खयानत हम नहीं करते, सलमा है अमानत में, खयानत हम नहीं करते। जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, हमारी सरकार ने क्या रोल अदा किया और नेताओं ने वहां पर क्या रोल अदा किया, उसके मद्देनजर ये शेर देखें। धर्म की आड़ लेकर जो लहू सबका बहाता है, वाह, धर्म की आग लेकर जो लहू सबका बहाता है, कभी
भी ऐसे रहबर की हिमायत हम फहीम अपनी सिफत ये है कि हम ईमान वाले हैं। फहीम अपनी सिफत ये है कि हम ईमान वाले हैं। कभी भी मुल्क से अपनी बगावत हम नहीं करते। बगावत हम नहीं करते। एक दो शेर साहब का गुजारिश, उसके बाद में अपनी जगह लेते हैं। मतलब समझते हैं। अजल तो ढूंढ ही लेगी ठिकाना। दोस्तों अजल मौत को कहते हैं। अजल तो खुशी से दम निकल जाएगा मेरा। खुशी से दम निकल जाएगा मेरा, मेरे चेहरे से नजरें मत हटाना। खुशी से दम निकल जाएगा मेरा, मेरे चेहरे से नजरें मत हटाना। और गजल का सबसे बेहतरीन शेर आप सबकी नजर। जी आता हो। हमारे साथ साया भी नहीं है। हमारे साथ साया भी नहीं है, तुम्हारे साथ है सारा जमाना। तुम्हारे साथ है सारा जमाना। फहीम से चराओं को बुझा दो। शेर सुन। फहीम से चराओं को बुझा दो, फकत आता हो जिनको घर जलाना। पुरानी बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा मोहतरम फहीम साहब ने। दोस्तों पुरानी रिवायत की गजल आपने सुनी। मुशायरे के स्पॉन्सर थे लॉरेंस एकेडमी। हम शुक्रिया अदा करते हैं शायर जनाब आदिल रशीद साहब और शायर फहीम कमालपुरी का, जिनकी दावत पर हम कमालपुर बुलंदशहर यूपी पहुंचे और इस मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया। ये मुशायरा आज का तारीखी मुशायरा पूरी दुनिया में रॉकी टॉक मीडिया.com के हवाले से लाइव दिखाया जा रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कमालपुर ऑल इंडिया मुशायरा कमेटी के सभी अहदेदारान का, जिनकी कोशिशों से मुशायरा अमल में आया। खासतौर पे जनाब शानू चौधरी साहब, जनाब मुशीर आलम साहब, जनाब नईम अख्तर साहब, जनाब मोहम्मद हारिस, जनाब मोहम्मद मोहतशिम, जनाब मोहम्मद फहीम आलम और जनाब नेताजी जुबैर।
प्रोड्यूसर एडिटर शफी खान, कैमरा पर्सन सैयद महबूब हसन, और मुशायरे देखना हो तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉग इन कर सकते हैं।